करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और मांगे पूरी ना होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। हालांकि प्रशासन की ओर से किसान नेताओं के साथ बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पा रही। कल एक बार फिर से किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही। किसान लगातार लाठी चार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिया है कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का इस पे हम एक जांच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। यादव जी, किसान साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर उसमें कोई लोग मिलते हैं जो निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, उनके मुआवजे पे भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा और ये जो सचिवालय के सामने की रोड है इसको चालू रखा जाएगा ताकि लोगों की आवाजाही उसमें खराब ना हो। सो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो और दौर बातचीत के होंगे उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकले। धरना स्थल यही रहेगा, जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय का काम चलता रहे, ना पब्लिक को कोई डिस्टर्ब। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें तो देखिए, लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसी मांग पर अड़े हुए हैं किसान की एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन हो जिनकी तरफ से लाठी चार्ज के आदेश दिए गए थे। आज तीसरे दिन भी लघु सचिवालय के बाहर किसानों का हल्ला बोल देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं और टेंट बाकायदा किसानों की तरफ से लगा लिए गए हैं और ये कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक किसी तरह से सचिवालय के बाहर हम लोग डटे रहेंगे। कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बेनतीजा अभी तक वार्ता रही है। मांग किसानों की यह भी है कि जो मृतक किसान हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सरकार। मांगे न माने जाने तक किसी तरह से सचिवालय के बाहर डटे रहने की बात किसानों की तरफ से कही गई है। तीसरे दिन भी आज लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर तमाम किसान अपना पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। पुलिस के जवान सचिवालय के अंदर और बाहर सुरक्षा में तैनात हैं। किसान ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी रात को मंच के पास ही सोए किसान नेता, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किसान नेता वहां पर मौजूद, दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी। ये तस्वीरें रात की हैं। देखिए, ना सिर्फ किसान बल्कि भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, पुलिस प्रशासन है, वो भी वहां पर मौजूद है। फोन लाइन पर कमरजीत विर्क जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमरजीत, आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है सचिवालय के बाहर किसानों का, क्या तस्वीर फिलहाल, क्या आज भी बातचीत होगी कुछ प्रशासन और किसानों के बीच? देखिए अंजलि, बात करें तो आज धरना जो है तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है, उसके साथ अगर बात करें तो लगातार जो धरने पर लोग पहुंच रहे हैं, उसके साथ अगर बात करें तो शहर के लोग भी रात को काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर पहुंचने लगे। जैसे कि पहले वहां हमने ऐसी तस्वीरें सिंहपुर देखी थी, ऐसे ही लोग यहां पर आने लगे थे। और इसके साथ अगर बात की जाए तो किसानों की तरफ से कल जरूर कहा गया था कि अगर प्रशासन हमें बातचीत के लिए बुलाएगा तो हम जरूर आएंगे। इसके साथ एक चीज जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात रात 11:30 के एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जरूर कहा था कि पहले जो किसान नेताओं ने कहा था कि हम ये गेट छोड़ देंगे और गेट और एक साइड की जो रोड है उसको छोड़ देंगे जो जिला सचिवालय की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ना गेट छोड़ेंगे और ना ही ये
इधर जो बिल्कुल सड़क है ये खाली करेंगे, और चाहे पर अगर पुलिस प्रशासन यहाँ से हट भी जाता है तो हम यहाँ गेट के ऊपर बैठेंगे, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यही नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ सबसे बड़ी आज जानकारी जो मिल रही है कि जो जोगिंदर सिंह अगुराहा संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता हैं, उनका एक बड़ा काफिला आज करनाल पहुंच रहा है, और तमाम नेता है एसकेएम के उनमें से कोई ना कोई नेता यहाँ पहुंच, काफी लगातार जो किसान पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल जो करनाल के डीसी उन्होंने प्रेस ब्रीफ किया और एसपी ने किया, उनका यही कहना था कि किसानों के साथ हमारी बातचीत हुई थी लेकिन किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ सकी, और किसानों ने कहा कि हम आज जो गेट है उसको आज छोड़ देंगे, उसके साथ जो वहां से हम फोरस हटा के गेट खोल देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो सचिवालय में अपने काम के लिए आएगा उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन देर रात ही गरनाम सिंह चुरूनी ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि हम बिल्कुल गेट नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए किसान अपनी मौजूदगी वहां पर बढ़ा रहा है, आज और भी बड़ी तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, देखना होगा बातचीत क्या होगी और क्या कोई रास्ता निकल पाएगा। आपका शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए कमरजीत। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसानों के साथ अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, जो भी हल निकलेगा बता दिया जाएगा। देश में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है, हम किसी को रोक नहीं सकते। वहीं परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव पद पर सीएम की तरफ से आईएएस पर आईपीएस को तरजीह देने जाने के सवाल पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। देखिए बैठे हुए हैं, उनके साथ अभी भी वार्ता चल रही है, अब किसान है उनकी कोई बात है, भारत प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, उसको तो हम नहीं रोक। जो उनकी बातें हैं उसके लिए हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, जो बातचीत से हल निकलेगा वो आपको बता दें। DOPT की गाइडलाइंस है कि अगर आपने लगाना है तो हमारी अनुमति लेकर लगाएं, तो मैंने वही लिखा था, और मुख्यमंत्री जी ने मेरी जो आपत्ति जो मेरी टिप्पणी थी उसको रूल आउट कर दिया, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी फसलों के एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। गेहूं का एमएसपी 40 रुपए, मसूर दाल का एमएसपी 400 रुपए, सरसों का एमएसपी 400 रुपए, चने का एमएसपी 130 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से। सामान्य तौर पर आप सबने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि MSP समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है MSP थी, है और रहेगी, और लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी MSP की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और MSP पर खरीद बढ़ रही है, इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।